बड़ी खबर, फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर बन गए आरक्षक और एएसआई आरटीआई स्पेशलिस्ट गौरीशंकर राजपूत। खबर शिवपुरी जिले से आ रही है। यहां पुलिस में नौकरी पाने के लिए कुछ लोगों ने फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवा लिए और उससे सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली। मामले का खुलासा एक आरटीआई के तहत हुआ है और इसकी शिकायत एसपी से कर फर्जी नौकरी पाने वालों के नाम उजागर किए गए हैं। जाति प्रमाण पत्र की सत्यापन जांच में पुलिस विभाग को भेजी जानकारी झूठी और भ्रष्टाचार युक्त है। आरटीआई के तहत जो जानकारी निकाली उसमें कुछ संदिग्ध पुलिस विभाग में पदस्थ शासकीय सेवक हैं, जिनमें आरक्षक के पद पर कुलदीप बाथम, पुत्र ब्रजमोहन, अरविंद कुमार मांझी, पुत्र सीताराम महेश मांझी, पुत्र कुशाली विक्रम सिंह, पुत्र मुरारी लाल, कमल सिंह पुत्र नारायण सिंह, राजकुमार पुत्र मुरारी लाल, माधो सिंह पुत्र पर्वत सिंह, रवि कुमार पुत्र नत्थारा, अजय कुमार पुत्र वृंदावन लाल मांझी, राजपाल सिंह पुत्र आत्म प्रकाश, ताराचंद्र सागर पुत्र राम सिंह, दीपक पुत्र लखन सिंह है। वहीं एएसआई शिवचरण लाल पुत्र पागुराम, नरेश मांझी, रवि पुत्र कमलेश प्रधान आरक्षक, दयानंद पुत्र मुकुंदी प्रधान आरक्षक हैं। मामले को लेकर एसपी से शिकायत कर उक्त सभी लोगों की जाति प्रमाण पत्र की जांच कराकर दोषियों और जांचकर्ताओं अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। प्रदेश के जिला शिवपुरी के अंदर पुलिस विभाग में फर्जी जनजाति के प्रमाण पत्रों पर एएसआई, सहायक निरीक्षक, उप निरीक्षक, आरक्षक ऐसे पदों पर लोग नौकरी कर रहे हैं, जिसके संबंध में आज मैं एसपी साहब को शिकायत किया गया है साक्ष्यों से। तो आपको ये ज्ञात कहाँ से हुआ कि ये फर्जी हैं, किस तरह से पता चला आपको? ये इनके जब मैंने आरटीआई लगाई सूचना के आधार में दस्तावेज मुझे प्राप्त हुए, इनका मैंने सत्यापन कराया। सत्यापन पश्चात ये ज्ञात हुआ कि इन लोगों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी हैं। उस समय पूर्व इनकी नियुक्ति के पश्चात जो जाति प्रमाण पत्र सत्यापन की फर्जी करके जिला सिटी पुलिस अधीक्षक को भेज दिया गया। ज़्यादातर किस जाति के लोग हैं ये? ज़्यादातर बाथम, भोई, भीमर, मल्ला, केवट, कश्यप, निषाद, रैगवार और अन्य जातियाँ हैं। गौड़िया, मड़िया, आदिवासी, शहरिया, रावत, मीना, इस तरीके से जो जनजाति जो आती हैं, इन लोगों ने जनजाति को हकों के साथ कुटा रखा किया।